मिल्क टी, शीर शीर टी, शीर चाय, ना ये इनकी कोई चाय है। ऑल थिंग्स फॉर वुमेन और मेल। व्हाट इज योर नेम? पुलिस आर्मान शाहीन। आर्मान शाहीन फर्द चंद तुमान जग तोता दिस वे। ओके ओके फ्रंट। ये इन्होंने ये हुक्का रखा हुआ बिल्कुल फ्री में। ये सारे ना पढ़े लिखे वेल डिसिप्लिन लोग हैं और इनके ना स्कूल कॉलेज में इनको तालीम जो दी जाती है ना उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। हम अगर प्राइमरी में भी पढ़े ना तो हमें वो इंग्लिश का सब्जेक्ट ज़रूरी होता है कि हमने वो पढ़ना ही पढ़ने होती है। तो इनका ये ज़रूरी नहीं होता, ये रखना चाहें तो रख लें अदरवाइज़ नहीं। सारी जितनी भी इनकी किताबें होती हैं वो सारी फ़ारसी में होती हैं। इस वजह से ना यहाँ पर आपको कोई एमए किया हुआ भी बंदा मिलेगा ना तो उसको भी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती होगी, तो वो भी इंग्लिश जो है ना यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनसे वो थोड़ी बहुत सीखते हैं या जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना ये लोग दूसरी कंट्री में भी नहीं जा सकते। दूसरी कंट्री में जाने के लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। मैंने यहाँ पर ना रात को हम एक दोस्त से मिले, मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो इनको बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता है और अगर वीज़ा मिल भी जाए तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो इन लोगों को ना काफ़ी सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं। ये हमारी तरह टूरिस्ट वीज़ा आसानी से नहीं ले सकते, जैसे हम पाकिस्तान से इधर आसानी से आ सकते हैं, ये पाकिस्तान में आसानी से नहीं आ सकते। अभी ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे ये बाज़ार बने हुए हैं, यहाँ पे दुकानें हैं और लोग अपने काम काज के लिए निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखेगा, ना रोड पे, ना गली में, ना अपने घर के बाहर। स्कूल, स्कूल से वापस ट्यूशन, ट्यूशन से शायद इस तरह करके इन्होंने ना कुछ शेड्यूल बना रखा है। अगर पार्क में भी जाए ना तो पार्क में भी कहीं आपको बच्चे खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सलाम, गुड गुड, आर यू फाइन? आई एम कमिंग। आर यू फ्रॉम पुलिस? पुलिस सोल्जर। ओके ओके ओके, कैन आई फिल्मिंग यू? व्हाट इज योर नेम? पुलिस आर्मान शाहीन फर्द। आर्मान शाहीन फर्द, यस। ना सोल्जर, ये सोल्जर हैं, मतलब आर्मी से हैं। और इनकी आर्मी ना यार, मैं वैसे तो किसी के ऑनेस्ट बात नहीं करूँगा, लेकिन जब हम बॉर्डर से आ रहे थे ना तो वहाँ पे हमें टैक्सी ड्राइवर ने काफ़ी डिस्टर्ब किया, तो हम एक आर्मी वाले के पास गए, उन्हें बताया कि ये मामला है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई मतलब उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, जिंदाबाद, बाकी आप समझदार हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे रोड्स पे ना आपको बिल्लियाँ दिखेंगी और यहाँ पे यकीन मानिए जैसे हमारे इलाकों में गली मोहल्ले में कुत्ते फिर रहे होते हैं ना, जिन्हें हम लट कुत्ते कहते हैं, यहाँ पे वो सीन नहीं। यहाँ पे सड़कों पे बिल्लियाँ फिर रही हैं, मैंने एक भी यहाँ पे कोई डॉग नहीं देखा जो रोड पे फिर रहा हो। ये देखें, ये बस स्टैंड होते हैं और यहाँ पे इस तरह की ना ये मेट्रो टाइप बसेज आती हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे ना बसेज से सफ़र करते हैं क्योंकि इस तरह इनको काफ़ी सस्ता पड़ता है। अंडरग्राउंड ना ट्रेन चलती है, तो ये ट्रेन का स्टेशन है यहाँ पे, ये वाला मैदान इमाम खुमानी। हमारे तो मैदान दूसरे होते हैं ना, ग्राउंड, लेकिन ये मैदान बोलते हैं इस तरह के चौक को। ईरानी लोग ना कपड़े बहुत ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, तो इस वजह से ना आपको यहाँ पे कपड़ों की काफ़ी सारी वैरायटीज़, काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी और हर दुकान पे अलग अलग तरह की ड्रेसिंग मिलेगी। ये देखिए, जो इस दुकान पे यहाँ पे आपको कपड़े शो रहे हैं ना, वो अगली यहाँ पे इस दुकान पे आपको नहीं होंगे, यहाँ पे भी चेंज होंगे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब ना यहाँ पे इनसे अपर पूछते हैं, आई थिंक ये दुकान लॉक है, ये भी बंद है यार। व्हाई शॉप ऑल क्लोज? क्लोज क्लोज क्लोज। रेस्ट रेस्ट। ओके ओके, व्हेन ओपन? कब दुकानें खुलेंगी? एक साथ, एक वन एक घंटा। ओके ओके, एक घंटे के बाद ये सारी दुकानें खुलेंगी। मेरे ख्याल से ये ना इनके रेस्ट का टाइम है। यहाँ पे ये शॉप तो ओपन है, इनसे पता कर लेते हैं, इनसे ना पोशाक। सलाम। ऑल थिंग्स फॉर वुमेन और मेल? आई नीड पोशाक, लबास। बट शॉप्स आर क्लोज नाउ, जस्ट योर शॉप इज ओपन।
जस्ट वन मिनट आई ट्रांसलेट। इस मार्केट में बाकी की दुकानें बंद हैं, सिर्फ आपकी दुकान खुली है। ओके आपके पास कपड़े औरतों के हैं, जाके मर्दों के भी कपड़े मौजूद हैं। फकत जनाना हमारे पास सिर्फ औरतों के हैं। तो यहाँ पे ना ये खातून बैठी हैं और इनके पास यहाँ पे सारे लेडीज़ हैं, जितने भी यहाँ पे कपड़े हैं मर्दों के नहीं हैं। एक और शॉप हमने ढूंढ लिया। सलाम आगा, वी नीड अपर यक अदद चंद तुमान फूल टाइप हेयर कम तर पाँच लाख 30,000 तुमान। ये तुमान में बोल रहे हैं यार, काफ़ी महंगी है। ओके ममनू, ये रियाल में होता तो समझ में आ जाता। अभी यहाँ पे ये 4-5 हज़ार का सिर्फ वो एक शर्ट, मतलब ऐसी शर्ट जो मैंने नीचे पहन रही हुई है, काफ़ी यार महंगी है यार। मेरे ख्याल से ये हमें चूना लगाने की कोशिश कर रहा था फॉरनर समझ के। यहाँ पे ना अभी हमें एक शॉप मिली, यहाँ पे बर्गर यहाँ पे लोग खा रहे हैं, तो इनके बर्गर को कोई काम के नहीं होते। अभी इनसे पूछते हैं। सलाम आगा, वी नीड चाय। यू हैव चाय? नो चाय। वेयर फ्रॉम चाय इन दिस मार्केट? गो मुस्तकीम। ओके टर्न लेफ्ट। थैंक यू। बर्गर का जायका वैसे इनका जो है ना स्पाइसी। यस स्पाइसी। ओके इनके जो स्पाइसी होते हैं ना, जिनको ये स्पाइसी बोलते हैं ना, वो खट्टे होते हैं, यकीन करें। हमने ना कई जगहों पे जाके पूछा स्पाइसी। यस। जब हम बर्गर लेते हैं तो खाते हैं तो हमें पता चलता है यार इसमें तो ज़रा भी मिर्ची नहीं है। यहाँ पे ईरान में ना आपको फीकी चीज़ें मिलेंगी, फीकी या मीठी, आपको मिर्चों वाली यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाँ बाज़ार से आप मिर्चें ख़रीद के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ पे एक ये फूल की दुकान है, ये काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लावर्स पड़े हैं। ये देखिए, ये लोगों ने ना अपने गमले जो है ना अपने घरों के बाहर रखते हैं। ये लोग ना फूलों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बड़े शौक से ना ये गमले यहाँ पे ख़रीदते हैं और एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। यहाँ पे ये एक शॉप है परिंदों वाली, ये देखिए खूबसूरत यहाँ पे खरगोश रैबिट्स, ये देखिए इस तरफ ये रैबिट्स हैं सारे, यहाँ पे पैरट्स हैं, ये हमारी तरफ भी होते हैं। ये छोटी छोटी चिड़ियाँ मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, फिंगर से भी बहुत छोटी हैं ये चिड़ियाँ। सलाम, कैन आई फिल्मिंग। ओके तशक्कुर। चंद तुमान यक तोता वन पैरट तो ये 1.5 लाख तुमन का यहाँ पे एक पैरेट बनता है, मतलब ये हमारी करेंसी में हुआ 1200 रुपये का ये एक तोता है। तो हमारी तरफ मेरे ख्याल से यही रेट है सिमिलर। और वन रैबिट खरगोश ओके दिस प्राइस यक रैबिट। ओके ये जी छोटे छोटे यहाँ पे रैबिट हैं, ये काफ़ी महंगा दे रहे हैं यहाँ पे 2.5 लाख। ता शुक्र मामले। तो ये ना 2.5 लाख ये बन गया तकरीबन 2,000 का। यहाँ पे ना 2,000 रुपये का एक रैबिट दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा है। हमारे वहाँ पे कितने का मिल जाता है? अगर इस तरह का हमने खरगोश लेना हो ना तो पाकिस्तान में हमें 250-300 रुपये का 400 रुपये का खरगोश जो है ना मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से खरगोश जो है ना काफ़ी कम है, तो इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्राइस बताई है। बाकी कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे ईरान में पाई जाती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेंगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हमारे वहाँ पे काफ़ी महंगे हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरी कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें वो सिमिलर हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल सिमिलर हैं। कुछ चीज़ें जैसे हेयर कटिंग जो है ना यहाँ पे मेरे ख्याल से महंगी है, पे 500 तुमन तक भी कटिंग है। ये एक एवरेज रेट आपको बता रहा हूँ, 150-250 जो है ना तुमन, ये काफ़ी महंगा कॉस्टली बन जाता है। मतलब आप 1200-2000 की कटिंग अगर करवाते हैं, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि 150-200 रुपये में भी हो जाती है।
ये देखिए ज़्यादातर यहाँ पे ना खातून जो है ना वो ड्राइविंग करती हैं। सलाम सलाम, वी नीड चाय चाय, यू हैव चाय? चाय नो बगल वेयर कुजा चाय चाय आउटसाइड यस चाय 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 दिस वे ओके ओके फ्रंट मुस्तकीम थैंक यू। यहाँ पे देखे वो उसको समझ नहीं आ रही थी, खातून को समझ आ गई मेरी और उन्होंने ना मुझे बताया कि सामने आपको चाय मिलेगी। ये जो सेपरेट यहाँ पे ये रोड बनी हुई है ना, ये इनकी बस की है, जैसे कि ये बसेज आई हुई है ना, ये बस के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे सेपरेट रोड ओपन कर रखी है। खातून ने यहाँ पे बिल्कुल सीधा बताया था, मतलब मुस्तकीम आई थिंक यही वो शॉप है, यहाँ से पता करते हैं। सलाम चाय चाय टू टू चाय ओके ओके। तो ये यहाँ पे ना स्मोकिंग यहाँ पे लोग यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब होटल है, नॉर्मली जैसे हमारे होटल्स होते हैं ना, हाँ सेम टू सेम ये वैसा होटल है। और यहाँ पे ये इन्होंने ये हुक्का रखा हुआ है बिल्कुल फ्री में, शीशा जिसको शीशा नहीं बोलते, ये वो शीशे टाइप ये सिस्टम है। ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स ना आपने पहले कभी नहीं देखी, लुक लाइक दिस दिस। आजा ये देखो, चाय के साथ एक हुक्का। इनका मेरे ख्याल से ट्रेडिशन है कि यहाँ पे हर लड़की भी लड़के भी यहाँ पे सारे ना ये शीशा पीते हैं। ये यहाँ पे ना इन्होंने सामने भी काफ़ी सारे यहाँ पे शीशे रखे हुए हैं, इनको हुक्का कहेंगे आम लैंग्वेज में। ये देखिए काफ़ी इन्होंने पूरा डेकोरेट करके यहाँ पे माहौल बना रखा है। यहाँ पे ना पूरी मीठी मीठी ऐसे ना पूरे यहाँ पे होटल में स्मेल फैली हुई है, वो इसी वजह से फैली है, इसी शीशे की वजह से फैली है। ये रेड कलर की ये चाय आ चुकी है। आगा यू हैव नो मिल्क टी, शीर शीर टी, शीर चाय ना? ओके ओके। तो यहाँ पे ना ये इनकी कोई चाय है, ये देखिए रेड कलर की यहाँ पे ये चाय है, ग्लास में यहाँ पे दी है, साथ में चम्मच है, साथ में लेमन है। हमारी तरफ तो ऐसे कावे होते हैं, इसका थोड़ा टेस्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जायका कैसे। ये नीचे ना मेरे ख्याल से ये मिश्री इन्होंने डाली है, ये देखिए चीनी इसमें वैसे ही है, मिक्स नहीं है। चाय है यार, लेकिन ना वो दूध वाली नहीं, अच्छी है, इसका टेस्ट डिफरेंट है, थोड़ा मीठा ऐसे कावे टाइप, लेकिन वो जो हमारे कड़क चाय मिल्क वाली मलाई मार के वो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। अब इसमें थोड़ा लेमन यहाँ पे ऐड करते हैं, काफ़ी है, और अभी थोड़ा मिक्स करके ना अभी इसका टेस्ट लेते हैं कि इसका अब टेस्ट यहाँ पे ना कैसा है। अब इनसे ना पूछते हैं कितने की चाय। आगा चंद तो मान फारसी ना कैलकुलेट 40,000 20,000 रुपये की चाय ओके। 160 रुपये की चाय थी, अच्छी थी लेकिन इस साइड पे अच्छी थी, मज़े की थी, लेकिन पाकिस्तान की चाय ना मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चाहे ये जैसा भी कंट्री है ना जितना भी अच्छा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की यहाँ पे आके ना याद ज़रूर आती है। जब मैं पाकिस्तान में टूर किया करता था ना तो मुझे अपने घर की इतनी याद नहीं आया करती थी, मैं मतलब ऐसे ही लगता था जैसे घर में ही हूँ। लेकिन जब मैं ईरान में आया हूँ ना तो यहाँ पे आके मुझे अब ना बड़ी याद आती है, मैं कहता हूँ यार घर में अच्छा था और जल्दी से जल्दी घर चला जाऊँ। फिर मैं कहता हूँ अब आया जो हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से रहूँ घूमूँ फिरूँ, फिर मैंने घर चले ही जाना है।